हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग अमिता किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे किचन में बन रही है मशरूम और मटर की सब्जी। ठंड के दिनों में मशरूम भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं और मटर भी, हरे मटर भी बहुत मिलते हैं ठंड के दिनों में। तो चलिए इसे देखें कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे। इसके लिए मशरूम और मटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर मशरूम 600 ग्राम मशरूम हमने ले लिया है और इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। कुछ मशरूम छोटे हैं, कुछ मशरूम बड़े हैं, तो जो छोटे वाले मशरूम हैं उन्हें दो पार्ट में कट कर लेंगे और जो बड़े वाले मशरूम हैं उन्हें हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह से सभी मशरूम को कट कर लेते हैं। ने सभी मशरूम को कट कर लिया है। बड़े वाले को हमने चार पार्ट में किया है, छोटे वाले को दो पार्ट में। एक तरफ हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे, एक टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, इसे बस हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि हमारा मशरूम का पानी छोड़ दे। अगर लो फ्लेम पर हम करेंगे तो मशरूम बहुत सारा पानी छोड़ देगा और इसे फ्राई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा मशरूम फ्राई हो गया है, पानी सारा सूख गया है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सभी मशरूम को हम निकाल लेंगे। हमने सभी मशरूम को निकाल लिया है और कढ़ाई ले लेंगे और इसमें दो टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, दो टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे और इसमें हमने तीन ओनियन लिया है। तीन बड़े साइज का हमारा प्याज है जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया है, यूं ही काट लिया है। इसे हल्का सा तेल में डालकर भून लेंगे, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। हमारा जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है तो इसमें हमने दो मिर्च लिया है, उसे कट करके डाल लेंगे। इसमें 15 गार्लिक लहसुन की कलियां ली है उसे डाल लेंगे। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है उसे भी हम डाल लेंगे और 3 टमाटर हमने लिए हैं और उसे भी हम डाल लेंगे। डालकर इसे चला लेते हैं। इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो हम इस तरह से सारे टमाटर प्याज को, हमारा जब सॉफ्ट हो जाएगा तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने सभी को निकाल लिया है और एक मिक्सी जार में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ने इसे पीस लिया है और इसे फाइन पेस्ट तैयार कर लिया। एक तरफ कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। साथ में 1/2 टीस्पून जीरा का फोरन डालेंगे, 3 से 4 तेज पत्ते डालेंगे। साथ में यहाँ पर हमने दालचीनी लिया है छोटा टुकड़ा, 4 से 5 लौंग लिया है, 8-9 कलियाँ ली है लहसुन गोलकी की, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 3 लाल मिर्च जिसे हम फोरन में डाल देंगे जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा। तो इसमें जो हमने प्यूरी तैयार किया है उसे हम ट्रांसफर कर लेंगे कढ़ाई में। ऐसे हल्का सा भूनेंगे जब तक हमारा कढ़ाई
जो हमारा मसाले हैं वो कढ़ाई छोड़ने ना लगे। इसमें साथ में हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, और कलर के लिए 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल लेंगे। डालकर इसे मिला लेते हैं और इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिल सके। हमारे मसाले भून गए हैं, इसमें हमारा 1 कप मटर है जिसे हमने डाल लिया। ये हमारा कच्चा मटर है, अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो आप यूं ही डाल सकते हैं। मटर डालकर हल्का सा भूनकर हम नमक डाल लेंगे। नमक डालकर हम इसे ढककर थोड़े देर 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा जो मटर है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अगर बॉयल मटर लेंगे तो ये तुरंत हो जाएगा, हमने फ्रेश मटर लिया है इसलिए इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जिस जार में हमने मसाले को पीसा था उसी जार से हम इसमें पानी डाल लेंगे जितना आपको चाहिए। पानी डालकर इसे ढक देते हैं, ढककर 2 से 3 मिनट इसे पका लेंगे। ये देखिए हमारा उबाल आ गया है, 2 से 3 मिनट हमारी पक चुकी है। इसमें साथ में हम मशरूम डाल देंगे। मशरूम डालकर इसे मिलाकर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल लेंगे और 1/2 टीस्पून गोलकी पाउडर डाल लेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल लेंगे। डालकर इसे पका लेते हैं। डालकर इसे हमने अच्छे से मिला लिया है, इसे ढक देते हैं। ढककर हमने इसे 2 से 3 मिनट पका लिया है। ये बहुत अच्छे से हमारा तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से पक चुकी है। इसमें हम 2 टेबलस्पून मलाई डाल देंगे। ये हमने फ्रेश मलाई लिया है, जो दूध आती है दूध की ऊपर वाली लेयर छाली जो हुई मलाई जम जाती है उसे मैंने निकाल कर इसे अच्छे से मैश कर लिया है, मिला लिया है, और इसे ढककर 1 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए हमने 1 मिनट के लिए इसे पका लिया है, बहुत अच्छे से मिल गई है और पक गई है। इसके ऊपर से धनिया पत्ते से हम गार्निश कर देंगे। हमारी मशरूम मटर की सब्जी बिल्कुल तैयार है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। इसे हम बॉल में निकाल लेते हैं। देखिए इतना टेस्टी और इतना लाजवाब सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।